उस टॉपिक पे बात करते हैं, शनि, जिसने पूरी दुनिया में इस समय इतनी वो मचा रखी है हलचल कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। 17 जनवरी 2023 मंगलवार 6:32, ये मेरा दुबई टाइम है, आपका थोड़ा जल्दी होगा, 1.5 घंटा पहले होगा। तो ये 6:32 शाम दुबई टाइम के हिसाब से ये ट्रांजिट का टाइम मैंने निकाला है। कुंभ राशि में ट्रांजिट होगा, धनिष्ठा नक्षत्र के पाद 3 में रहेंगे, जिसका लॉर्ड जो है वो मंगल रहेंगे। मंगल जो है धनिष्ठा नक्षत्र के लॉर्ड माने जाते हैं। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये मंगलवार को ही होने जा रहा है। अगर आप लोगों को जो यहाँ पे लोग हैं हमारे साथ वो सब एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उनको सबको कार्य तत्व पता है, सैटर्न के भी पता है, मंगल के भी पता है। तो मैं कार्य तत्व पे इतना ध्यान नहीं दूंगी। मंगल जो है वो फोर्स है, अथॉरिटी है, मतलब किसी को डंडे की चोट पे, डंडे की नोक पे काम करवाना, तो मंगल वो ग्रह माना जाता है। और थोड़े से गर्म ग्रह हैं, अग्नि के साथ चलते हैं। शनि जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे ग्रह माने जाते हैं, अंधेरा है वहां पे। तो अग्नि का वहां होना ठंडी जगह पर कहीं ना कहीं हमको ये दर्शाता है कि अंधेरे में अग्नि का होना, एक तो थोड़ी सी रोशनी होना, अगर बहुत ज्यादा ठंड है तो वो अग्नि भी जो है वो भी ठंडी पड़ सकती है। तो इन चीजों का तालमेल हमको देखना पड़ेगा। इसको आप कैसे अपनी कुंडली में लगाओगे कि 1 से 12 के घरों में जिनका मंगल आगे है उनको शनि का इफेक्ट कम आएगा, जिनका मंगल पीछे है शनि के उनको मंगल को अपने स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो ये साल जो है हनुमान चालीसा का पाठ हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बनता है। शनि जब ट्रांजिट करेंगे तो ये मेष लगन की कुंडली आपके सामने दिख रही है। मेष लगन से पहली दृष्टि जो जाएगी, सॉरी, कुंभ लगन, कुंभ राशि से जो पहली दृष्टि जाएगी मेष लगन पे जाती है, दूसरी दृष्टि पांचवें सिंह राशि पर आती है, जो कि हमारे कुंडली का पांचवा घर है, और आठ जो तीसरी दृष्टि है वो आठवीं राशि वृश्चिक पर आ रही है, जो भी जो वो भी मंगल की ही राशि है। यानी आप यहाँ पे ट्विस्ट समझो, शनि ने ट्रांजिट किया मंगलवार वाले दिन, वार क्या था, मंगलवार होगा, और कहाँ से ट्रांजिट हो रहा है, किस नक्षत्र में ट्रांजिट हो रहा है, लॉर्ड मार्स रहेंगे। कौन सी दो राशियां एक ही लॉर्ड की इफेक्टेड रहेगी, मंगल। तो जो हम जिस चीज को पहचानने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमको जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसका समाधान भी हमको मिलेगा, क्योंकि मंगल ग्रह जो है वो उसकी दो राशियां, आठवां घर और पहला जो घर है। अच्छा, अभी आप ध्यान दो कि जो पास में आपके जो बंदा बैठा होता है उससे जब आप बात कर रहे हो तो आप उसको बड़ी नॉर्मल वॉइस लेवल पे बता सकते हो कि भाई सुन सकता है वो। जो इनकी जो तीसरा जो दृष्टि है वो थोड़ी सी दूर की तरफ और पीछे की तरफ है, यानी आठवीं जो वृश्चिक राशि रहेगी वहां पे अग्नि जो है वो इतनी दूषित नहीं होगी, या मंगल पे थोड़ा कम प्रभाव आएगा क्योंकि वो थोड़ी दूरी पर है। जो शनि के ट्रांजिट से जिसको मेजर मेजर इफेक्ट आएगा वो पूरा, जब तक शनि कुंभ राशि में ट्रांजिट रहेंगे तब तक सूर्य का ध्यान देने की हमें ज्यादा जरूरत है। सूर्य का ध्यान हम कैसे दे सकते हैं कि पिता का आशीर्वाद लेते रहना,
दूसरा, इस पूरे साल सूर्य को जल देना। अगर किसी का सूर्य जो है पांचवी जो राशि है केंद्र में है, त्रिकोण में है, 3, 6, 11 के घरों को छोड़ के, 6, 8, 12 के घरों को छोड़ के, वहां पे आप सूर्य को बल दे सकते हो। यानी जो सूर्य का जो जल है उसके अंदर 7 मिर्ची, लाल मिर्ची के दाने, जो बीज होते हैं लाल मिर्ची के, वो डाल के आप जल दीजिए। अगर आपका सूर्य जो है 1, 5, 9, मतलब सूर्य बैठे 1, 5, 9 में है, या सूर्य की राशि, दोनों चीजों को समझिएगा। आपके सूर्य किसी भी राशि में बैठे हो, 1, 5, 9 के खाने में बैठे, या आपके सूर्य जो बैठे हैं वो खाना सेकेंड हाउस में बैठे हैं, या उनकी राशि सेकेंड हाउस में है, क्योंकि कर्क लग्न में जो राशि आती है, जब हम आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इन लोगों के लिए, अगर आपके सूर्य 6, 8, 12 में बैठे हैं, 3, 6, 11 में बैठे हैं, यानी तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में बैठे हैं, तो वहां पे आपको जल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी आपके सूर्य नेगेटिव ही आपको प्रभाव देंगे, तो उनको आपको पावरफुल नहीं करना। उस केस में इन लोगों को शनि के उपाय करके, या शनि को पावरफुल करके, ये अपनी, ये साल में अपनी आय या बिजनेस ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, या प्रोफेशन ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है, इसमें हम देखेंगे कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो काफी बड़ी मतलब उठेगी, और पेट्रोल के प्राइसेस राइज होंगे। ऐसा नहीं है कि होते ही हो जाएंगे, जब शनि के ऊपर किसी नॉर्मल ग्रह का वेद होगा, या चंद्रमा कोई जब ये वेदेंगे, तो बहुत चीजों का आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। भाई भाई में झगड़े हो सकते हैं, भाई भाई के रिश्ते टूट सकते हैं, या जॉइंट फैमिलीज जो पार्टनरशिप में काम करती हैं, बड़ी बड़े कंपनीज, उसमें आपको मर्जर या सेपरेशन देखने को मिलेगी। पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो वर्ल्ड वाइड में एक इस साल में 6 मंथ्स गिरेंगे और 6 मंथ्स उठेंगे। लैंड जो है वो आपको, मतलब आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी चीजों में। बट इससे अलावा ज्यादा करके जो इफेक्ट आएगा वो ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। ईस्ट डायरेक्शन यानी अगर आप वर्ल्ड का ईस्ट देखो, तो वहां पे ज्यादा इफेक्ट आने के चांसेस हैं। उन कंट्रीज में जो है लॉ एंड ऑर्डर का थोड़ा इश्यू रहेगा। या अगर आप इंडिया का देखो, तो ईस्टर्न पार्ट में आपको थोड़ा सा इश्यू देखने में मिलेगा।